जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं खीरा की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इसको ऊपर से कट करके मैंने नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से घिस देंगे ताकि खीरा का तीतापन निकल जाए। सलाद तो सभी खाते हैं, लेकिन एक बार खीरा की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप नवरात्र में भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। इसको काट लेंगे, गाय का घी मैंने डाला है कढ़ाई में 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा डाला है, 1/4 चम्मच सरसों का दाना डालूंगी। अगर नवरात्रा के लिए बना रहे हैं, व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप सरसों का दाना स्किप कर दीजिएगा। साथ ही सेंधा नमक 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच हल्दी डाला है मैंने। इन सबको फ्राई करेंगे। इसको ढक कर के पकने के लिए रख दिया है मैंने। मिक्सी में टमाटर, 1 टमाटर लिया है, वो काट करके डाल रही हूँ। साथ ही 1/2 चम्मच, 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा इसमें काट करके डाला है और 3 से 4 हरी मिर्च, 12-15 मैंने ये करी पत्ता डाला है। इन सबको फाइन पेस्ट ग्राइंड कर लेंगे पहले। ये खीरा भी पक चुका है। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया है। ये सब्ज़ी फ्राई करके इस पर धनिया का पत्ता भी डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग जाता है। इस तरह से बना करके खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।